हाय पेरेंट्स, आज मैं फेसबुक रिलेटेड दो चार बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको पेज में कन्वर्ट करना है, प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करना और कैसे नहीं करना, वो सब के बारे में दो चार बातें करना है। जिनको पेज में कन्वर्ट करना है वही ये वीडियो को देखो, और दो जिसको नहीं करना है ना तो स्किप करके चले जाओ, वो जबरदस्ती नहीं है, देखना ही है। और तो और इसमें मेरे पिछला एक वीडियोस बनाए थे लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऑडियो नहीं आ रहा था, शायद कुछ हिल गया था, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर कैसे करना है पेज में कन्वर्ट, तो फिर चलो मैं लेके जाता हूँ आप लोग को क्रोम बाज़ार में। तो फाइनली मुझे क्रोम बाज़ार ओपन होके रखा है, दिखाई देता हूँ आप लोग को। एक क्रोम बाज़ार आ गया मेरे, तो ऑफिस वाली जो फेसबुक के ऐप्स है उसी में जाने का, ऑफिस वाली ऐप्स में, लाइट वगैरह में नहीं जाने का। तो फिर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो शायद, देखता हूँ। हाँ तो मैं आ गया हूँ। तो फिर देखो यहाँ पे जो है मेरा आईडी, इसमें पेज में कैसे कन्वर्ट किया था, ये जो आईडी है मेरा पुराना आईडी है, तो ये है प्रोफाइल में, ठीक है ना, प्रोफाइल में है। तो इसको मैं पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो आप लोग को बहुत सारे यूज़र है जिनका पेज में कन्वर्ट उसको पता है, वो कर लिया है, जिनको नहीं पता ऐसे दिखने में आता है उनको, ठीक है ना। तो इसको पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं मेरा पेज वाला आईडी दिखा देता हूँ। ये है मेरा पेज वाला आईडी, सोलो काम कर रहा है नेट, वाईफाई चालू है तो फिर इतना सोलो क्यों हो रहा है, चालू हो तो। ये आ गया मेरा दूसरा वाला पेज वाला आईडी, ठीक है ना। ये पेज वाला आईडी में ना देखने में थोड़ा एफेक्टिक लगता है और कुछ नहीं, और जिनको बहुत मतलब काम के चीज है तो उनको बहुत काम के चीज, जो कर पा रहा है तो उनको बहुत है, जिसको नहीं करना है मतलब नहीं है उनको कुछ नहीं है। तो फिर देखो ये पेज में कन्वर्ट हो चुका है मेरा, मैं दो चार दिन पहले किया था। तो ऐसे एफेटिक देखने में आपको प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कैसे करना है, तो आप लोग को जो गलती करके रखे हो, तो क्या गलती है, फर्स्ट टाइम जो आपका जो प्रोफाइल आईडी है ना उनको लॉक करके रखे हो, एक नंबर वो गलती है, लॉक करके रखो, उसको अनलॉक कर दो। अनलॉक करने के बाद पब्लिक्स में जाओ, ठीक है ना। मैं अनलॉक करने के बाद थ्री डॉट में जाने का, सेटिंग में जाने का, बहुत सोलो काम कर रहा है, पता नहीं इसे इतना सोलो क्यों हो गया। ये आ गया, देखो सेटिंग में जाके पब्लिक पोस्ट में जाने का, पब्लिक पोस्ट में जाके जितना सारी ऑप्शन है सबको सब पब्लिक कर देने का, ठीक है ना। जितना देखो मैं सबका सब पब्लिक करके रखा हूँ, पब्लिक करने का। और पब्लिक करने के बाद एक्टिविट वगैरह मतलब जहाँ जहाँ से ऑफ करके रखो सब ऑन कर दो। करने के बाद तो फेसबुक को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, छोड़ देने के बाद फिर थ्री डॉट में जाओ, थ्री डॉट में जाके देखो ये वाला ऑप्शन आया क्या, टर्न ऑफ पार्सल ऑन मोड, ठीक है ना। ये ऑप्शन से आप पेज में कन्वर्ट कर पाओगे, पार्सल ऑन मोड, ठीक है ना। ये ऑप्शन सबको नहीं आता है, ठीक है ना। कैसे नहीं आता है, वो जो लॉक करके रखता है, पब्लिक नहीं करके रखता है, उसने नहीं देता है, भले उसको फैन फॉलोइंग बहुत है लेकिन वो ऑप्शन नहीं देता है इसी वजह से। तो फर्स्ट टाइम तो लॉक अनलॉक कर दो, उसका बाद पब्लिश कर दो, मतलब जहाँ जहाँ से ऑफ करके रखे हो सब ऑन कर दो, और फिर जाके देखो ये ऑप्शन आया कि नहीं आया। एक दो घंटा बाद देखो नहीं आ रहा है तो एक बार फेसबुक एथू है ना उसको एक बार अपडेट करो, प्ले स्टोर में जाके अपडेट करो। अपडेट करने के बाद देखो फाइनली वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर उनके बारे में एक रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, वो कैसे मेल करना है और कैसे टाइप करके उसको पास भेजना है, किस नंबर में डालना है। तो डियर फेसबुक को टीम को जो
कम्युनिटीज गाइड रहता है ना, उसके वजह से बहुत सारी यूजर को नहीं देते हैं, लेकिन उसको खिलाफ जो पोस्ट कर देते हैं तो फिर नहीं मिलता है ये सब। वो सब पे मैंने कुछ रिलेटिव बातें जो है वो मेल करना पड़ता है, तो फिर वो ऑप्शन दे देता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाएंगे, तो अब तक के लिए बाय। और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, और देखेंगे दूसरा वीडियो में कुछ लेके आके। तो फिर ये आपको अच्छा लगा है तो फिर बोलने का, नहीं लगा है तो फिर बोलने का, ठीक है ना। और जिनको प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट करने का है उनको ही देखने का, बाकी सारी देखो चाहे मत देखो, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।